राजस्थान की सरकार सत्ता का दुरुपयोग करने का काम कर रही है और जिस तरीके से विधायकों की निजता का हनन करने का काम सरकार कर रही है, उनके मोबाइल टेप करने का काम कर रही है, इस मामले में राजस्थान की सरकार पहले SOG का दुरुपयोग करने का काम किया और जब SOG के मान्य विधायक न्यायालय के अंदर चले गए तो न्यायालय में जाने के बाद में SOG को अपने धाराएँ हटानी पड़ी और न्यायालय ने उनको रिहा करने के आदेश भी दिए हैं। और उसी तरीके से अब डरा कर धमका कर जो हमारे कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनके ऊपर पहले राजनीतिक मुकदमे दर्ज थे, उन मुकदमों का डर दिखाकर कि आपको या तो हम जेल में डालेंगे या आप के मुकदमे हम विड्रॉ कर लेंगे, आप हमारे साथ आए, और सत्ता का प्रलोभन देने का काम भी कर रही है। सरकार अपने जितना सत्ता का दुरुपयोग कर सकती थी उतना दुरुपयोग करने का काम कर रही है और हम भी हमारे विधायकों को जिस तरीके से सरकार डरा धमका रही है, प्रलोभन देने का काम कर रही है, उसकी सावधानी को रखते हुए हमने विधायकों को इकट्ठा करने का काम किया है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी को जादूगर के रूप में प्रचारित कर रखा है, लेकिन जादूगर की जादूगरी जनता के विश्वास के ऊपर तो खरी उतर नहीं रही और खुद के चंद लोगों के मुट्ठी पर लोगों के विश्वास के ऊपर वो अपने राजनीतिक गोटियां सेक कर और अपनी जादूगरी साबित करना चाहते हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर चाहे राजस्थान सरकार के पास बहुमत के आंकड़ा हो या नहीं हो, अंकों की गणित हो या नहीं हो, ये तो दूसरी बात है, लेकिन जनता का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। समय के अंदर इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब जनता देने के लिए विधायकों के जितने भी हमारे विधायक हैं उन विधायकों को आने वाले समय के अंदर प्रशिक्षण के द्वारा, जो क्योंकि ये राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा है कि इनको विधायकों से संवाद स्थापित करके उनको प्रशिक्षित करना जरूरी है कि पार्टी की क्या रणनीति है, उस रणनीति के तहत चलने की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से पार्टी का सतत संपर्क है और आने वाले समय के अंदर हम सब एक जगह रहेंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है।